दोस्तों यदि आप भी कुलदीप यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आईपीएल के 32वें मुकाबले में दो खतरनाक टीमें आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से कौन है बेहतर खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 32वें मुकाबले में आईपीएल की दो बड़ी टीम दिल्ली और पंजाब आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें पंजाब की कप्तानी मयंक अग्रवाल ने करी तो वहीं दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी और ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए पंजाब की टीम को आमंत्रित किया, जिसमें पंजाब किंग्स की पारी शुरू से ही शुरू हुई जब तो जिसमें कप्तान मयंक अग्रवाल और शिखर धवन क्रीज पर उतरे और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी करने की शुरुआत शार्दुल ठाकुर ने की। वहीं पंजाब किंग्स को पहला झटका ललित यादव ने दिया और उन्होंने ओपनर शिखर धवन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया और शिखर धवन ने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए और उनके आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर उतरे। तो वहीं शिखर धवन के बाद पंजाब के दूसरे ओपनर मयंक अग्रवाल भी पवेलियन लौट गए और पंजाब के कप्तान को मुस्तफिजुर रहमान ने क्लीन बोल्ड कर दिया और मयंक ने 15 गेंद पर 24 रन बनाए और उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए और मुस्तफिजुर की गेंद मयंक के बल्ले से लगकर विकेटों में समा गई। और वहीं पंजाब को सबसे बड़ा झटका अक्षर पटेल ने छठवें ओवर की तीसरी गेंद पर दिया और उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों स्टंप करवा दिया और पंजाब की टीम में लियाम लिविंगस्टोन इन फॉर्म बल्लेबाज थे और उन्होंने टीम के लिए सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए और 6 ओवर में पंजाब ने 3 विकेट लिए और 47 रन बनाए और पावर प्ले के ठीक बाद पंजाब किंग्स को चौथा झटका लगा और जॉनी बेयरस्टो को खलील अहमद ने मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करवा दिया और बेयरस्टो ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए और अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए और पंजाब किंग्स को पांचवा झटका 13वें ओवर में लगा और अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर जितेश शर्मा को आउट कर दिया और जितेश एक छोर से तेजी से रन बना रहे थे और उन्होंने 23 गेंदों पर 32 रन बनाए और जितेश ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए और कुलदीप यादव ने 14वें ओवर में 2 विकेट झटके और उन्होंने पहले कगिसो रबाडा और फिर नाथन एलिस को क्लीन बोल्ड कर दिया और रबाडा ने 2 रन बनाए। तो वहीं एलिस खाता नहीं खोल सके और वहीं पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज शाहरुख खान एक बार फिर से फेल हो गए और उन्होंने 20 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए और शाहरुख के बल्ले से एक भी चौका या छक्का नहीं निकला और खलील अहमद ने उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं 18वें ओवर में आपको बता दें कि चहर 12 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका 12 रन बनाकर ललित यादव का शिकार हो गए। तो वहीं पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 115 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। तो वहीं 116 रनों का लक्ष्य दिल्ली की टीम को दिया और दिल्ली की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव, ललित यादव, खलील अहमद और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। तो वहीं मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट हासिल किया और वहीं दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन की और दोनों ही बल्लेबाजों से बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन की उम्मीद थी। तो वहीं पहला ओवर डालने के लिए वैभव अरोड़ा आए और उनसे खतरनाक गेंदबाजी की उम्मीद की गई और शुरुआती विकेट लेने के दबाव भी इन पर था। पृथ्वी शॉ ने दूसरे ही गेंद पर अपनी टीम का खाता खोल दिया और शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम 2 गेंद पर 2 चौके और लगा दिए और इसी के साथ इस ओवर में 14 रन बटोरे। तो वहीं दूसरे ओवर में रबाडा गेंदबाजी करने के लिए आए और इस ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने 2 चौके समेत 12 रन बटोर लिए। तो वहीं तीसरा ओवर डालने के लिए वैभव अरोड़ा आए और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 चौके और 1 छक्का समेत 17 रन बटोर लिए। तो वहीं चौथे ओवर में 3 चौके समेत दिल्ली ने 12 रन बटोर लिए और बहुत ही तेज तर्रार बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं पांचवा ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह आए और इस ओवर में 3 चौका समेत 17 रन आ गए। तो वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए नाथन एलिस आए और इस ओवर में मात्र 6 रन आए और पावर प्ले में दिल्ली की टीम ने 81 रन बना लिए बिना किसी विकेट के। दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली की गेंदबाजी को कितने अंक देंगे आप, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।